नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से 100% क्षमता के साथ खुल गए बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थान। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना तो नहीं, लेकिन बनी रहेगी ठंड की स्थिति। यूपी चुनाव में बिहार की रंगीन खादी पहनेंगे नेताजी। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। बिहार के 13 लाख छात्रों के लिए भी खुशखबरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की क्षमता की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से 100% क्षमता के साथ खुल गए बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थान। बिहार के सभी शैक्षणिक संस्थानों को आज से खोल दिया गया है। कोरोना के मामलों में आ रही गिरावट को ध्यान में रखते हुए ही बिहार सरकार ने उक्त फैसला लिया है, जिसके तहत आज से सभी शिक्षण संस्थानों को खोल दिया गया। हालांकि ध्यान देने की बात यह है कि 9वीं कक्षा से ऊपर के स्कूल और कोचिंग सेंटर 100% उपस्थिति के साथ सामान्य रूप से खुलेंगे। वहीं 8वीं तक के स्कूल 50% उपस्थिति के साथ खोलने की बात कही गई है। नाइट कर्फ्यू को भी खत्म करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही सभी सरकारी कार्यालय प्रतिदिन सामान्य रूप से खुलेंगे। हालांकि केवल टीका प्राप्त आगंतुकों को ही कार्यालय में प्रवेश की अनुमति होगी। ये गाइडलाइन 13 फरवरी तक प्रभावी होगी। अगले कुछ दिनों तक बारिश की संभावना तो नहीं, लेकिन बनी रहेगी ठंड की स्थिति। आने वाले दिनों में आम लोगों को ठंड से निजात मिलने की कोई उम्मीद तो नहीं है। हालांकि राहत की एक बात जरूर है कि लोगों को अब बारिश का सामना नहीं करना पड़ेगा। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार ट्रफ लाइन का प्रभाव समाप्त होने से फिलहाल बारिश के आसार नहीं है, लेकिन ठंड से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात में मौसम सर्द रहेगा। सुबह शाम का तापमान भी कम रहेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में सुबह में कोहरा छाया रहेगा। सोमवार को उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में कोल्ड डे की स्थिति भी देखने को मिली। मौसम विभाग की माने तो वर्तमान में प्रदेश में पछुआ का आगमन जारी है। इसके कारण ही हवा में तीखापन बना हुआ है। सोमवार को भी हवा में ठंडक बनी रही। लता मंगेशकर के निधन पर बिहार में 2 दिन का राजकीय शोक। बीते दिन ही स्वर कोकिला के नाम से मशहूर लता मंगेशकर ने दुनिया को अलविदा कह दिया है, जिसके बाद से ही 2 दिन का राष्ट्रीय शोक तो है ही, साथ ही साथ बिहार में भी 2 दिन के राजकीय शोक का ऐलान कर दिया गया है। मंत्रिमंडल सचिवालय की तरफ से इस बाबत रविवार को अधिसूचना जारी कर दी गई है। विभागीय आदेश में कहा गया है कि भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन 6 फरवरी को ही हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 6 से 7 फरवरी तक राष्ट्रीय शोक संसूचित किया है। यही कारण है कि बिहार में भी 6 से 7 फरवरी तक 2 दिनों के लिए राजकीय शोक मनाने का निर्णय लिया गया है। इस अवधि में पूरे राज्य में उन सभी भवन जिन पर नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है, राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। इस अवधि में राजकीय समारोह, सरकारी मनोरंजन के कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। 10वीं और 12वीं के पहले सत्र का रिजल्ट हुआ जारी। काउंसलिंग फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने आज सुबह सुबह ICSE और ISSE के पहले सेमेस्टर की परीक्षाओं के रिजल्ट को जारी कर दिया है, जिसके बाद ही अब बिहार के 17 स्कूलों को 14,000 परीक्षार्थी इसका इंतजार करते हुए देखे जा रहे थे, जिनका परिणाम अब आ गया है। अब रिजल्ट काउंसलिंग की आधिकारिक वेबसाइट cise.org और results.cise.org पर जारी कर दिया गया है, जिसको कि अब छात्र ऑनलाइन माध्यम से देख सकते हैं, जिसके लिए ही उन्हें UID और इंडेक्स नंबर दर्ज करना होगा। आपको बता दें, CISCE ने 10वीं के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 29 नवंबर से 16 दिसंबर 2021 तक, तो 12वीं के पहले सेमेस्टर की परीक्षा 22 नवंबर से 20 दिसंबर 2021 तक आयोजित की थी। आयुष और होम्योपैथिक कॉलेज में एडमिशन के लिए इस दिन तक करवाएं रजिस्ट्रेशन। बिहार संयुक्त प्रतियोगिता प्रवेश परीक्षा पार्षद ने बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी और बैचलर ऑफ उनानी मेडिसिन एंड सर्जरी में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन तारीख जारी कर दी है। 3 कोर्स में एडमिशन के इच्छुक स्टूडेंट 7 से 13 फरवरी रात 10 बजे तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पेमेंट 13 फरवरी रात 11:59 तक जारी कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन में सुधार 14 फरवरी को कर सकते हैं। वही रैंक कार्ड मेरिट लिस्ट के साथ एडमिशन की तारीख 16 फरवरी को जारी होगी। बिहार के 13 लाख छात्रों के लिए खुशखबरी। बिहार में पिछले 3 साल से छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने 3 साल बाद छात्रों को छात्रवृत्ति देने की तैयारी एक बार फिर से शुरू कर दी है। सरकार की तरफ से कहा गया है कि इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी महीने छात्रवृत्ति के पैसों का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव पंकज कुमार ने बताया कि सभी लाभार्थियों के आवेदनों का सत्यापन अंतिम चरण में है और इसी महीने लाभुकों को छात्रवृत्ति की राशि भुगतान कर दी जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने राशि की मंजूरी दे दी है। 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की एक मुश्त राशि जारी की गई है। बिहार के लाल निहाल ने ताइवान में लहराया अपना परचम। बिहार में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। यही कारण है कि समय समय पर बिहार में कई प्रतिभाओं ने अब तक बिहार का मान बढ़ाने का काम किया है। इसी कड़ी में अब किशनगंज के निहाल अख्तर ने अपनी प्रतिभा साबित की है, यानी कि
कोचाधामन प्रखंड के सोंथा गांव के रहने वाले निहाल को ताइवान के ताइपा यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडल भी मिला है, क्योंकि शिक्षा के नजर से किशनगंज क्षेत्र को सीमांचल का सबसे पिछड़ा इलाका माना जाता है। यहां साक्षरता दर सबसे कम है। ऐसे में निहाल ने जो कारनामा कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। वहीं गोल्ड मेडलिस्ट निहाल अख्तर को ताइवान सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी भी दी है, यानी कि अब किशनगंज का ये लाल ड्रोन एम्बुलेंस बनाने का काम करने वाला है। बिहार के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबरी। बिहार के सभी राशन कार्ड धारकों के लिए अहम सूचना। बिहार में राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने और जन वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगाने की तैयारी हो रही है। सरकार की तरफ से बार बार राशन कार्ड बनाने का झंझट दूर करने के लिए स्मार्ट राशन कार्ड योजना पर जल्द ही अमल होगा। इसके तहत 1,81,00,000 राशन कार्ड धारक परिवारों को स्मार्ट कार्ड दिए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड एक बार बनने के बाद लाभार्थी परिवारों को फिर से दूसरा राशन बनवाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। एटीएम कार्ड की तरह ये स्मार्ट कार्ड लाभुकों को काम आएगा। इसको लेकर सरकार ने 31 मार्च तक राशन कार्ड में शामिल उन सदस्यों को आधार सीडिंग कराने का आखिरी मौका दिया है, जिनका अब तक आधार सीडिंग नहीं हुआ है। सहनी ने 2025 में मुख्यमंत्री बनने का किया दावा। एनडीए में मनभेद की स्थिति अब साफ तौर पर दिखाई देने लगी है। यही कारण है कि मनभेद के बीच सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश सहनी भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने साल 2025 में मुख्यमंत्री बनने तक का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया है कि साल 2025 में मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा काम करेंगे जो किसी ने भी नहीं किया होगा। हालांकि बिहार में इनके पास मात्र 3 ही विधायक है, लेकिन साल 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 विधानसभा चुनाव में ये दावा कर रहे हैं कि पूर्ण बहुमत के साथ वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। सहनी को बौखलाहट की वजह भी अब साफ नजर आ रही है, क्योंकि बिहार के एनडीए ने बहुत तरजीह उन्हें आगामी विधान परिषद चुनाव में नहीं दी है। यूपी चुनाव में बिहार की रंगीन खादी पहनेंगे नेताजी। आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बिहार में भी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। इसी बीच अब आगामी चुनाव में नेताजी अब रंगीन और झरना खादी पहनने नजर आने वाले हैं। इसको लेकर भागलपुर में उनके लिए कुर्ता पैजामा शर्ट गमछा तैयार किया जा रहा है। 10 दिनों के अंदर 5 करोड़ के कपड़ों को तैयार करने का काम पूरा हो चुका है, जिसको कि जल्द ही कपड़ों को यूपी भेजने की तैयारी भी हो रही है, जिसको लेकर ही जल्द ही 3,000 बुनकरों से कपड़े तैयार करवाने का काम हो रहा है। बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि यूपी चुनाव में नेताजी रंगीन झरना और सफेद खादी का कुर्ता और शर्ट पहनने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि चुनाव के कारण इस खादी की डिमांड बहुत अधिक है। विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर युवा जदयू करेंगे घर घर दस्तक। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की मांग अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। यही कारण है कि जदयू भी इसे जोर शोर से अब लागू करने की तैयारी में है। ऐसे में विशेष दर्जा दिलाने के लिए बीते दिन ही पटना के बापू सभागर के गेट के सामने से छात्र जदयू के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्णा पटेल के नेतृत्व में हर घर दस्तक विशेष हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर कृष्णा पटेल ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा कई सालों से पूरे बिहारवासियों के हित में विशेष दर्जा देने की मांग केंद्र सरकार के सामने की जा रही है। रघुराम राजन समिति और नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट में भी बिहार को आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़ा घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। अब तेज प्रताप कई शहरों में खोलने जा रहे हैं ऑर्गेनिक रेस्टोरेंट चेन। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव भले ही राजनीति में सक्रिय अवसर देख के होते हो, लेकिन राजनीति के बाहर उनकी चर्चा जोर शोर से होती है। कारण है उनका अलग अलग कामों में संलिप्त होना। अपने अनोखे अंदाज के कारण सुर्खियों में रहने वाले तेज प्रताप यादव अब अपने उद्योग को लेकर चर्चा में है। हालांकि इसकी शुरुआत उन्होंने वसंत पंचमी के दिन से ही कर दी थी, लेकिन अब वो अपने उद्योग को और ज्यादा विस्तार करने वाले हैं। यही कारण है कि ऑल इंडिया लेवल पर लालू की रसोई नाम से फ्रेंचाइजी बांटने वाले हैं। बिहार में इसको लेकर जोर शोर से चर्चा चल रही है। ये जानकारी उन्होंने एक न्यूज पोर्टल के साथ बातचीत में दी है। इतना ही नहीं, ऑल इंडिया लेवल पर लालू की रसोई नाम से फ्रेंचाइजी बांटने को लेकर के उन्होंने भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किया है। बिहार में इसको लेकर चर्चा लगातार चल रही है। मिली जानकारी के अनुसार तेज प्रताप यादव के रेस्टोरेंट की शुरुआत बिहार से नहीं बल्कि माय नगरी मुंबई से होगी। इसमें क्या खास होगी क्या नहीं, इसकी जानकारी साझा करते हुए उन्होंने बताया है कि ये ग्राहकों को गांव की याद जरूर दिलाएगा। भारत में कमजोर पड़ रहा है कोरोना। भारत में कोरोना के मामलों में गिरावट लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोविड-19 के 83,876 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ दैनिक मामले घटकर 1,00,000 से भी कम हो गए हैं। इस दौरान 1,99,054 लोग डिस्चार्ज हुए, जबकि 895 लोगों की जान चली गई है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
के सोमवार को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल सक्रिय मामले 11,08,938 है। वहीं जान गंवाने वालों की कुल संख्या 5,02,874 हो गई है। वहीं कुल पॉजिटिविटी रेट 7.25% दर्ज हुआ है। कोरोना वायरस टीकाकरण की बात करें तो इसका आंकड़ा 16,96,38,755 पर पहुंच गया है। फौरन कर ले ये काम वरना लटक ना जाए अगली किश्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अगर अगली किश्त बिना किसी रोक टोक के पाना चाहते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 के लिए आपको फौरन अपना ईकेवाईसी पूरा करना होगा। इसके बिना आपकी किश्त लटक सकती है। सरकार ने इस योजना में ये अनिवार्य कर दिया है। पोर्टल पर कहा गया है कि आधार आधारित ओटीपी प्रमाणीकरण के लिए किसान कॉर्नर में ईकेवाईसी विकल्प पर क्लिक करें और बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के लिए निकटतम सीएससी केंद्रों से जरूर संपर्क करें। वैसे आप घर बैठे ही अपने मोबाइल लैपटॉप या कंप्यूटर की मदद से इसे पूरा कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो नजदीकी ईकेवाईसी केंद्र पर आप जरूर जाएं। अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बीसीसीआई करेगा सम्मानित। भारतीय क्रिकेट टीम ने रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम दर्ज किया है। यश धूल की कप्तानी वाली टीम ने शनिवार रात एंटीगा के नॉर्थ साउंड स्थित सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम में खेले गए फाइनल में 14 गेंद शेष रहते ही इंग्लैंड को 4 विकेट से हरा दिया। खिताबी पंच लगाने वाली भारतीय टीम का स्वदेश लौटने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अब उनका सम्मान करने वाली है। बीसीसीआई ने रविवार को ही टीम के प्रत्येक सदस्य को 40,00,000 रुपए जबकि सपोर्ट स्टाफ के प्रत्येक सदस्य को 25,00,000 रुपए का नगद पुरस्कार देने की घोषणा कर दी है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है रघुनाथ प्रसाद, एसपी यादव, शिवानी सिंह, रंजीत मिश्रा, प्रिया यादव, सौरभ मिश्रा, मंजीत चौरसिया, कोमल रॉय, महेश दास, क्रिएटर मासूम, ओमकर सिंह। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार उत्तर प्रदेश में बिहार की राजनीतिक पार्टियां अपना परचम लहरा पाएंगी या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।